जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी को बताइए कि अपन जॉब्स की अवेयरनेस फैला रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में पता हो। ठीक है, लाइक एक दो गिनी चुनी जॉब्स ही स्टूडेंट्स को पता होती है। एएफओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एएफओ, बस एएफओ। लेकिन अदर जॉब्स के बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। अपन डिटेल में एक जॉब्स की सीरीज इसीलिए चला रहे हैं कि एएफओ के अलावा भी कुछ है। ठीक है, तो नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में आज अपन बात करने वाले, एक सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब है। डिटेल में एक चीज को ब्रीफ करेंगे, मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं, मतलब बेनिफिट्स जॉब के क्या है और टाइमिंग क्या रहती है, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज मेंशन कर रही है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी और अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। बाकी आपको जो भी छोटे छोटे आपके डाउट हो, क्यूरीज हो, तो आप आस्क कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आपका इंस्टाग्राम पे भी आप करेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हो, जो भी आपके डाउट हो छोटे छोटे आप आस्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप कमेंट कर ही देना, मैं सारे कमेंट्स का यहाँ पे पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, तो आप पूछ सकते हो कहीं पे भी। तो आज हम बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड और सेंट्रल लेवल की जॉब है। आपको पता है सेंट्रल लेवल की जॉब्स क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे, नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, और यहाँ पे सिलेबस की भी हम बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है नाबार्ड के, वो भी हम एक डिटेल में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर का बताया था, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ने बताया था क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनको भी देख लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी पर मंथ कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, ट्रेनिंग टाइमिंग क्या होती है, जॉब्स प्रोफाइल क्या है, पोस्टिंग लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब्स के लेवल के बारे में हम बात करेंगे, और प्रमोशन का यहाँ पे टाइम क्या रहता है, कितने साल के बाद यहाँ पे प्रमोशन होता है, मतलब छोटी से छोटी चीज को भी हम कवर करने वाले इसमें जो है सीरीज में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे भाई एएफओ के अलावा बहुत कुछ है करने को। ठीक है, वहीं पर मत अटके रहा करो, मैं मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी पता है 90% स्टूडेंट, 95% उनको नहीं पता है सिर्फ एएफओ। ठीक है, गुने चुने स्टूडेंट्स आपके एएफओ नहीं है तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद खाद बीज भंडार की हम दुकान खोलेंगे, ये उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है। भाई बहुत कुछ है जॉब्स में, बस थोड़ा सा तैयारी और मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर होने की जरूरत है। बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, और रेगुलर बेसिस पर भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, तो एक बार सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजों को देख लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कट ऑफ वगैरह, ये सारी चीजें देख लो, फिर प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की क्या रहने वाली है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मिनिमम आपकी एज लिमिट अगर आप 21 इयर्स के हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, बाकी आपका एससी एसटी कैटेगरी में तीन साल का और 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका मिल जाता है। हम ये भी बात करेंगे प्राइवेट वाले एलिजिबल, जो प्राइवेट सीबीएसई करते हैं, आईसीआर, नॉन आईसीआर, इनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट हो गई, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं, मैं आईसीआर, नॉन आईसीआर, ऑल कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करता है कि ओनली आईसीआर के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। ठीक है, मतलब जिन्होंने आईसीआर का एग्जाम देकर या आईसीआर जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वही एलिजिबल है। भाई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, प्राइवेट के, गवर्नमेंट के, बस डिग्री आपके पास 4 साल वाली होनी चाहिए, 3-3 साल वाली भी यहाँ पे डिग्रीज होती है, तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना है, डिग्री आपके पास 4 साल वाली होनी चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स बोलते कि भैया बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं है क्या एलिजिबल, देखो पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, बहुत सारी पोस्ट निकलती है नाबार्ड में, है ना, जैसे आपका जनरल हो गया, जनरल में तो नॉर्मली आपके सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको बता दूं फॉरेस्ट्री का और फूड प्रोसेसिंग का, ऐसे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट निकलती है, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलती है। आप देखो प्रीवियस ईयर में 2023 में पोस्ट आपकी निकली थी, इसमें हॉर्टिकल्चर वालों के लिए अलग से कोई पोस्ट नहीं निकली थी, है ना, ये अलग अलग पोस्ट निकलती है, उसके बेसिस पर स्टूडेंट आपके एलिजिबल होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, अगर इसमें पर्टिकुलर फॉरेस्ट्री की अगर वैकेंसी निकली है तो सिर्फ ओनली बीएससी फॉरेस्ट्री वाला ही एलिजिबल होगा। ठीक है, ये बहुत अपने लिए बेनिफिट्स की बात है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हॉर्टिकल्चर वाले के साथ साथ एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल हो जाएगा, फॉरेस्ट्री भी एलिजिबल हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, बट यहाँ पे अगर फॉरेस्ट्री बोला है तो फॉरेस्ट्री वाला ही एलिजिबल होगा। इसमें देख सकते हो आप नीचे सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ डिटेल में, देखो जैसे जनरल में तो आपका हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, जनरल पोस्ट जो निकलती है उसके लिए आपको पता है जनरल पोस्ट यहाँ पे ज्यादा निकलती है, नंबर ऑफ जो है यहाँ पे पोस्ट जनरल की ज्यादा होती है। आप देखो यहाँ पे कितनी टोटल पोस्ट है आपकी निकली थी, 77 पोस्ट, है ना,
नेक्स्ट आप अगर बात करूं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा पोस्ट कम निकलती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे फॉरेस्ट्री का है तो बीएससी फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे पर्टिकुलर एलिजिबल। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में आप देखो तो फूड प्रोसेसिंग के स्टूडेंट ही पर्टिकुलर एलिजिबल है। लेकिन 2022 में जब पोस्ट निकली थी तो उसमें प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल थे। तो पोस्ट निकलती है और उसके हिसाब से यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मेंशन होता है, ठीक है। तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, ये बात आपको याद रखनी है। जनरल पोस्ट के लिए सभी स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल होते हैं, ठीक है, याद रखना। और एमएससी भी आपके एलिजिबल होते हैं जिसमें किया हुआ है एमएससी, है ना, इकोनॉमी वगैरह से आप चेकआउट कर लेना, सोइल साइंस वगैरह से, वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। एमएससी भी किया हुआ तो एलिजिबल, बस आपका यहाँ पे 60% मैंडेटरी है, आपकी जो डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपको याद रखना है, तीन फेज में आपका एग्जाम होता है, मतलब सबसे पहला होगा प्रीलिम्स, नेक्स्ट आपका होगा मेंस, इसके बाद इंटरव्यू, और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मिठाइयां बांटने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है थ्री फेजेस में। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रीलिम्स की, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से जैसे आपको समझना चाहिए वैसे आपको समझाती हुई चलूंगा मैं। प्रीलिम्स की हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो प्रीलिम्स में अगर सिंपल तरीके से आपको बताओ, नेगेटिव माइनस मार्किंग होती है, इस बात को आपको याद रखना है। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है, ठीक है। देखो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे आपका जो है प्रीलिम्स की, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, और आपको टोटल टाइम यहाँ पे कितना मिलता है, 120 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलता है आपको पेपर करने के लिए, जो कि थोड़ा सा कम टाइम होता है ना। तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर और 1/4 की नेगेटिव माइनस मार्किंग आपकी नाबार्ड ग्रेड ए के प्रीलिम्स एग्जाम में होती है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या पेपर में आता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे नीचे इन्होंने सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है, देखो ये प्रीलिम्स का आपका ग्रेड ए का एग्जाम है, मतलब सिलेबस वगैरह है, एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, तो ये सभी के लिए है, ठीक है। इसमें देखो कि आप टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और आपका एप्टीट्यूड भी आता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये आप टोटली इसमें देख सकते हो, है ना, मेंशन किया हुआ है इन्होंने। 200 नंबर का पेपर, 200 मार्क्स और मैक्सिमम 120 मिनट का टाइम आपको मिलता है, ये टॉपिक है। सिलेबस थोड़ा सा इसका ब्रीफ है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा है सिलेबस ज्यादा है, बट अगर आपने स्ट्रेटजी बना के अगर पढ़ाई की तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो, और कंपटीशन भी थोड़ा सा आपका लेता है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि नाबार्ड है, सेंट्रल लेवल की जॉब से स्टूडेंट बिल्कुल वेट करते हैं भाई इसके लिए। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नीचे, सबसे पहले आपको एक बात और बता दूंगी यहाँ पे, अगर आप फेज फर्स्ट को क्लियर करोगे इसके बाद ही आप फेज सेकंड के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ये बात याद रखना। फेज अगर आपने फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ आपका तो फेज सेकंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन फूड इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया था ना, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के बेसिस पर आपकी मेरिट तैयार होती है, बट यहाँ पे फेज फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद नेक्स्ट आपका फेज सेकंड के लिए आप यहाँ पे बैठ पाओगे, एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस की, प्रीलिम्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम फेज सेकंड की, जो कि आपका होता है मेंस। मेंस में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर वन और एक होता है पेपर टू, ठीक है, जिसमें आपकी जो पेपर वन रहेगा, है ना, इसमें आपको टाइम मिलता है अलग अलग, जैसे आपको 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता है फेज फर्स्ट देने के बाद, फेज सेकंड, मतलब फेज सेकंड में आपका पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा फेज सेकंड के लिए, ठीक है। और फेज फर्स्ट होने के लगभग यहाँ पे 1.5 महीने के आसपास में आपका फेज सेकंड का एग्जाम होता है, ठीक है, 1.5 महीने के आसपास फेज सेकंड का एग्जाम होता है, इसलिए तैयारी भाई पहले से करके रखनी पड़ती है ना, एकदम से आप सोचो कि 1 महीने में लगातार मेंस की तैयारी कर लूँ, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। फेज फर्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आता है जनरल इंग्लिश आती है, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग लिखने को आता है, पैसिव राइटिंग वगैरह ये सारी चीजें लिखने को आती है, पेपर फर्स्ट में लिखना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें आप देखोगे 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई टॉपिक मिल जाएगा आपको, उस टॉपिक पर आपको लिखना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स का आपका रहेगा, है ना, ऐसे राइटिंग पैसे राइटिंग वगैरह में इंग्लिश, जनरली इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट आपका टाइमिंग रहेगा जो 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा,
ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है पेपर सेकंड। तो ये पर्टिकुलर आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब जिस भी आप स्ट्रीम से रहोगे वो उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, है ना। जनरल स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर से होते हैं, एग्रीकल्चर से होते हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रीम से यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मेंस का जो आपका रहेगा, ये तो जर्नल का है, ठीक है। आप जर्नल में अगर बैठते हो, मैंने आप जर्नल पोस्ट बताया ही है। नेक्स्ट आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम से बैठते हो, जैसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो आपका ये रहने वाला है पूरा शेड्यूल। इसमें आप देख लो, जो पेपर फर्स्ट है वो मैंने आपको बता दिया, बात करेंगे हम पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं, मार्क्स आपका 50 और 30 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। टाइम का खास ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे पेपर सेकंड में 30 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, 30 मिनट का टाइम। नेक्स्ट आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये 50 मार्क्स के और 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें जो डिस्क्रिप्टिव आपके टाइप क्वेश्चन है इसमें आपके जो है यहाँ पे देख लोगे 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना है, जो कि 15 आपका मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी आपका सेम है कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसको आप देख लेना डिटेल में, और ये मेंस का आपका पूरा इसमें बता दिया है, माइनस मार्किंग बिल्कुल इसमें है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, एक बार इसको देख लेना, मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो पीडीएफ में स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ में आता है, तो ये जनरली मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया कि 30 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 30 मिनट का टाइम, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब तो समझ में आपको आ गया होगा। तो ये जॉब बहुत रेपुटेटेड है मेरे भाई, बहुत अच्छी जॉब है सेंट्रल लेवल की। अभी आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा तो आप मतलब चेहरा आपका खुश होने वाला है, ठीक है। बट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है नावर्ड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर थर्ड पर, ठीक है। आपको बताया था ना, दो तो आपने यहाँ पे स्टेजेस क्लियर कर ली भाई, दो स्टेज आपकी क्लियर हो गई, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होने वाला है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इन्हीं के बेसिस पर मेंस और इंटरव्यू, जो आपका मेंस का एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, इनके बेसिस पर ही आपकी जो है फाइनल लिस्ट बनती है, फाइनल कट ऑफ निकल के आता है। अगर मैं आपसे बात करूं जर्नल का, जो सीट्स मैंने आपको बताई थी ना, उसका कट ऑफ अभी 2000 जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो उसका आप देखो कि यहाँ पे 71.50 कट ऑफ है, और प्लांटेशन हॉर्टिक जो आपका 2022 में हुआ था उसका बता रहा हूं आपको, और प्लांटेशन जो हॉर्टिकल्चर है उनके लिए 162.25 नंबर आपका मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ रहा था। तो कट ऑफ ये देख सकते हो, मेरिट के बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, मेंस और यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पर 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। वही आपके कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे मे बी, है ना। सैलरी की अगर मैं आपसे बात करूं, सैलरी बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है भाई, है ना। नेट सैलरी 70,000 के आसपास आपकी रहती है, और हाउस रेंट वगैरह, टेलीफोन चार्जेस, ट्रेवलिंग, ये सारी चीजें, फर्नीचर वगैरह, सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब्स है, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है भाई मेरे सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल की नेट सैलरी मैंने आपको बता दिया है, और हाईएस्ट आपकी यहाँ पे जाती है ग्रॉस सैलरी, 1,00,000 के प्लस आपकी ये सैलरी चली जाती है ग्रॉस, क्या ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है सैलरी को, और एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे सैलरी के बाद जॉब्स की लेवल के बारे में, ठीक है, कि जॉब्स की लेवल किस टाइप से होती है और कौन कौन सी लेवल में यहाँ पे पोस्टिंग होती है आपकी। तो सबसे छोटी आपकी जो रहती है पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ग्रेड ए है, आपकी यहीं पे पोस्टिंग होने वाली है। 3 से 4 साल आपको मैक्सिमम यहाँ पे बिताना पड़ेगा, इसके बाद आपका यहाँ पे अपग्रेड होते हो आप, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर, इसके बाद आपका जनरल मैनेजर, ये पोस्ट आपको रैंक बता रहा हूं, ठीक है। मैनेजर, इसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आप रिटायरमेंट तक बहुत मुश्किल से यहीं तक पहुंच पाते हो, या बहुत अच्छा करते हो तो डिप्टी मैनेजर और जनरल मैनेजर, इतने तक आप पहुंच पाते हो, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, नेक्स्ट इसके ऊपर आपका होता है जनरल मैनेजर, इसके ऊपर होता है चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसके बाद चीफ जनरल मैनेजर के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नेक्स्ट होता है नावार्ड का डायरेक्टर, ये सबसे हाईएस्ट रैंक की पोस्ट है। बट आपको कौन मैनेज करेगा, तो आपको असिस्टेंट जनरल जो मैनेजर है ये मैनेज करेगा, और जनरल मैनेजर है ये सारे यहाँ पे इनको मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है, लेवल का अपने को पता होना चाहिए कौन कौन सी लेवल है, कौन कौन के पोस्ट है आपके जो है इसमें। तो ये पोस्ट मैंने आपको एक लेवल के हिसाब से बता दिया है, बिल्कुल आपकी इसके हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। तो ये जॉब्स के लेवल है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जो डाउट हो आस्क कर सकते हो, मैंने बताया ना आपको, जो भी छोटे छोटे डाउट हो आप आस्क कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बाप से बात करूं बेनिफिट्स कौन कौन से है, देखो बेनिफिट्स सबसे पहला, नो पब्लिक डीलिंग, किसी भी प्रकार की पब्लिक से कोई डील नहीं करनी अपने को, जैसे एएफओ को पूरी डीलिंग आपकी पब्लिक से ही करनी पड़ती है।
तो इसमें कोई भी आपका नो पब्लिक डीलिंग, मतलब दिमाग का थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका जो है कैपिटल पोस्टिंग और नो विलेज पोस्टिंग, मतलब आपको किसी भी प्रकार की कोई गांव में पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है। ये आपकी जो है पोस्टिंग, आपको पता है नाबार्ड के जितने भी बैंक होते हैं तो ये आपके कैपिटल राजधानी लेवल के होते हैं, मतलब आपका जो मध्य प्रदेश में भोपाल में आपका जो है नाबार्ड का सेंटर है। तो इस टाइप से आपके अलग अलग जो है कैपिटल में ही स्थापित होते हैं ये नाबार्ड के बैंक। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है थोड़ा सा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल छोटी चीज है ठीक है, बट बोल सकते हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है ना, और आपको सिर्फ ओनली वीक में सैटरडे संडे ऑफ मिलने वाला है। इसके बाद आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क लोड ज्यादा है नहीं इसमें ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर एप्लीकेशन फीस की बात करूं मैं, तो एप्लीकेशन फीस आपका वही रहने वाला, नॉन रिफंडेबल रहेगा, जो कि आपको फॉर्म अगर आप भरते हो तो ₹650 आपका जनरल ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, और एससी एससी जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा, ओनली ₹150 आपका चार्ज लगने वाला है यहाँ पे। बाकी आप देख लो ₹800 आपको पे करना पड़ेगा मेरे भाई ठीक है, अगर जनरल ओबीसी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो नाबार्ड ग्रेड ए का ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीवी शेयर में कितने वगैरह फॉर्म फिल हुए थे 2022 के आसपास, तो प्रीलिम्स में आपके 60,000 के आसपास अप्रोक्स फॉर्म फिल हुए थे है ना। और जिसमें आपका मेंस की बात करूं मैं ठीक है, मतलब 60,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे लगभग आधा 35,000 स्टूडेंट्स ने आपका मेंस में जो है बैठे हुए थे, मतलब जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया था, और उनमें से सिर्फ 33 के स्टूडेंट, मतलब 3200-3500 के आसपास स्टूडेंट्स रहे हुए जिन्होंने मेंस एग्जाम आपका क्लियर किया हुआ है ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, मतलब कहां 35,000 से सीधा 3500, इतने मान के चला 35,000 से कहां 3500 स्टूडेंट्स आपके मेंस क्लियर कर पाए। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, तो आपको तो वो सारी चीजें पता है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, ये सारी चीजों में स्टूडेंट्स बाहर होते जाते हैं। तो ये आप फाइनली देख लेना कितने स्टूडेंट निकलते हैं, कितने फॉर्म डलते हैं ठीक है। कट ऑफ भी अप्रोक्स मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग टाइम क्या होता है, 2-3 वीक्स का आपका ट्रेनिंग टाइम होता है, आपको पता है ट्रेनिंग इसका सबसे बड़ा ऑफिस तो आपका मुंबई में है, ट्रेनिंग टाइम आपका 2-3 वीक्स रहेगा, मैंने आपको बताया था ना, सेम उसी टाइप का जैसा कि आपका फूड इंस्पेक्टर का मैंने बताया था 40 दिन का आपका ट्रेनिंग टाइम होता है, तो ऐसा ही कुछ इसका ही 2-3 वीक्स आपको ट्रेनिंग मिलेगा। नेक्स्ट आपका वर्क क्या होता है भाई, नाबार्ड ग्रेड ए का अगर कोई ऑफिशियल है तो ऑफिसर है तो उसको क्या वर्क करना पड़ता है, तो सिंपल आपका जो रहने वाला है यहाँ पे वो है सेंट्रल और स्टेट की जो न्यू पॉलिसीज बनती हैं उनको सारी चीजों को मैनेज करने का काम आपका होता है। नेक्स्ट आपका रूरल और कॉरपोरेटिव बैंक की देखरेख और सारी रिपोर्ट वगैरह सेंड करना ये सारी होती है ठीक है, मतलब कॉरपोरेटिव काम आपका ज्यादा होता है और सेंट्रल पॉलिसीज को कौन सी योजना बन रही है, कहां तक पहुंची है, कहां तक लागू हो रही है, सारी चीजों को देखना आपका एक नाबार्ड ऑफिसर का काम होता है ठीक है। नेक्स्ट आपका क्योंकि आप सबसे लोएस्ट पोस्ट पर जा रहे हो असिस्टेंट मैनेजर ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऑफिस का वर्क देखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम सिटी क्या रहती है, तो देखो एग्जाम सिटी की अगर बात करूं तो फेज सेकंड का, फेज फर्स्ट का तो आपको पता है ठीक है, बहुत सारी एग्जाम सिटी आपकी मेंशन होती है इंदौर भोपाल उज्जैन मध्य प्रदेश में, लगभग 4-5 आपकी सिटी हर एक स्टेट में होती है। बट अगर फेज सेकंड मेंस की बात करूं तो मेंस में स्पेशली आपकी मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो यहाँ पे भोपाल मेंशन रहेगा ठीक है, ये सिटियों के नाम मेंशन है, आप देख लेना कहाँ कहाँ आपका मेंस में सेंटर जा सकता है। बाकी भोपाल एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है भोपाल ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना। बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, धन्यवाद आपका, और सारी चीजों को एक एक करके मेंशन कर दिया है जो जो इंपॉर्टेंट थी अपने लिए, ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग पीरियड और कितनी कितनी सैलरी रहती है, कट ऑफ वगैरह, जो कि स्टूडेंट्स को हमेशा ही डाउट रहता है क्या कितना क्या रहने वाला है, क्वेश्चन लेवल कितना फेज में पेपर होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपके दिमाग में एकदम सटीक हो गया होगा, 3 पेपर प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू एएफओ के जैसा ही है बट पैटर्न चेंज हो जाता है यहाँ पे है ना। तो ये बहुत अच्छी जॉब है भाई नाबार्ड ग्रेड ए की और सबसे रेपुटेड जॉब मानी जाती है, आप इसकी चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी ऑफिशियल साइट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अब तक आपके दिमाग में जो डाउट थे, बहुत सारे कॉलेजेस में आपके सीनियर होते हैं बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं है, फॉरेस्ट्री एलिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एलिजिबल किया जाता है, जो पोस्ट निकल रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस, तो सिलेबस भी आप एक बार चेकआउट कर लो क्या क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला, पीडीएफ में आपको सब कुछ इन्होंने इसमें दिया हुआ है
एक बार पीडीएफ देख लिया करो भाई, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट पीडीएफ में थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट था समझने वाला वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो एक बार पीडीएफ देख लिया करो, सब कुछ इसमें रहता है आपका। ये सिटी मेंशन है, कहाँ कहाँ एग्जाम रहने वाले हैं, फॉर्म की क्या है, सब कुछ। ठीक है, आप 2022 का चेक करोगे तो उसमें हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी पोस्ट आपकी निकली थी, प्लांटेशन वगैरह में, उद्यान की विभाग में आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोस्ट आपकी निकलती है। ठीक है, तो एक बार इसको चेकआउट कर लेना। बाकी जनरल पोस्ट के लिए तो आप इसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, सभी स्टूडेंट्स इसके लिए आपके एलिजिबल होते हैं, है ना, बता चुका हूँ आपको। बाकी ये सिंपल तरीका से आपको समझा दिया है मैंने। वीडियो अच्छी लगा हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, बाकी आपको पता ही है। तो ये डिटेल में बता दिया, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आप तैयारी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कहीं से भी सब्सक्रिप्शन लेके, सेल्फ स्टडी कहीं से भी, जैसा आपको लग रहा है आप उसकी प्रिपरेशन, नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जॉब्स की सीरीज में बने रहने के लिए देख लेना भाई उसको, और भी आपको प्लेलिस्ट में सारी जॉब्स की सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।